हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न मैथ क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हिच इज द स्मॉलेस्ट लीफ इन पिक्चर गिवन बिलो व्हाई इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा लीफ कौन सा है और क्यों क्योंकि इसमें से देखो देखने से ही मालूम पड़ता है बी पिक्चर सबसे छोटा लीफ है और कैसे उसमें आंसर लिखा गया बी पिक्चर्स एज स्मॉलेस्ट लिव इन द पिक्चर बिकॉज दिस लिव मेड इज इन लिस्ट स्क्वायर सबसे कम स्क्वायर में बना हुआ है सबसे ये सबसे कम स्क्वायर का बीच में बना हुआ है इसलिए वो सबसे छोटा पिक्चर है छोटा लिफ है नेक्स्ट आएगा फोर्टीन फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री इफ द गिवन पिक्चर फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री उसका बाउंड्री का लेंथ माप करना है बाउंड्री का लेंथ माप करेंगे तो कैसे करेंगे बाउंड्री मतलब ये उसका बाउंड्री होता है ऐसे उसको बाउंड्री बोला जाता है उसको माफ़ करने के लिए उसने दिया जे यहाँ से यहाँ तक वन सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक वन सेंटीमीटर उसी हिसाब से आपको काउंट करना है कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन तो उसका लेंथ ऑफ बाउंड्री बाउंड्रीला एटीन सेम सब एक एक को काउंट कर इतना से इतना वन इतना से इतना वन इस से एटीन सेम उसका बाउंड्री होता है एटीन सेम ठीक है उसको भी ऐसे ही काउंट करना है वो भी इतना से वन सेम इसी वन सेम वन सेम वन सेम सबको टोटल आपको काउंट करोगे काउंट करने से जितना आएगा वो होगा उसका लेंथ लेंथ लाने के लिए कहना टोटल सम ऑफ टोटल सम ऑफ बाउंड पूरा साइड को माप करना है तो जाके बाउंड्री पता चलता है तो ये कितना टोटल काउंट करेंगे तो मैंने काउंट कराया रखा है ट्वेंटी सी एमता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी उसका बाउंड्री होता है ट्वेंटी सी एम ओके नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन में लिखा हाउ मैनी स्मॉल स्क्वायर ऑफ वन सी एम लेंथ आर दर इन पिक्चर इस पिक्चर में आपको ये काउंट कर देखना है वन सी एम वाला ये वन cm वाला स्क्वायर कितना है तो टोटल आप काउंट करोगे तो पता चलेगा कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये लाइन में सिक्स है ये लाइन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये लाइन मल्टीप्लाई ये लाइन करोगे तो उसका पूरा स्क्वायर पता चल जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स 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 जैसा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स स्मॉल स्क्वायर उसका आंसर है ये काउंट करोगे तो पूरा थर्टी सिक्स होगा काउंट hmm, okay. करके देखना है नेक्स्ट सिक्सटी नंबर में दिया है हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ वन सेम कैन फिल इन द फिगर वन में एंड फिगर टू ड्रॉ एंड लाइन ये फिगर ये खाली है इतना थोड़ा सा किया है और आपको बताया जाए आपने उसका फिल करो लाइन करो और काउंट करो कितना स्क्वायर होता है ऐसे मैंने उसको फिलअप कर दिया है इस तरह पेंसिल में ये यहाँ से लाइन बनाया ऐसे लाइन बनी उसको फिलअप कर दिया और उसको काउंट भी किया तो आया थर्टी टू स्क्वायर्स थर्टी टू स्क्वायर्स वन टू थ्री फोर और ये होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट फोर जा थर्टी टू थर्टी टू स्क्वायर्स आता है ये भी देखो ये होता है वन ये भी मैंने में पेंसिल में उसको फिलअप कर दिया जो जो बाकी था वन टू थ्री फोर या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन मल्टीप्लाई फोर सेवन फोर जा ट्वेंटी एट स्क्वेर ये ट्वेंटी एट स्क्वेर नेक्स्ट देखो उसको काउंट करोगे तो ट्वेंटी ट्वेंट स्क्वेयर ही आएगा सेवेंटीन नंबर देखो डिवाइड द फिगर वन एंड फिगर टू इन फोर इक्वल पार्ट्स एंड राइट द नंबर ऑफ स्क्वेर इन दैम उसको पार्ट कर बनाना है ये भी ऐसा ही दिया है तो उसको फिलअप कर देना है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन नहीं आएगा सिक्सटीन स्क्वायर स्क्वायर्स उसको भी ऐसे फिलअप करना है बुक को देखोगे तो पता चलेगा उसको भी फिलअप कर देना है फिलअप करने के बाद तो उसको अगर काउंट करेगा आएगा ट्वेंटी ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी स्क्वायर्स ओके नेक्स्ट होता सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ 50 सी एम लॉन्ग एंड 20 सी एम बोर्ड रेक्टेंगुलर टेबल एक रेक्टेंगुलर टेबल है उसका अगर आपको बाउंड्री निकालना है और उसका लेंथ भी दे दिया और लॉन्ग भी दे दिया और बोर्ड भी दे दिया तो आपको कैसे निकाला जाएगा ना अगर किसका बाउंड्री लगना है तो सम ऑफ ऑल साइड उसका सब साइड को अगर आप माप करोगे तो वो उसका बाउंड्री आ जाता है ठीक है ऐसा है आपको देखना है जो उसका बाउंड्री कैसे निकाला जाएगा उसका चार साइड होता है रेक्टेंगल का फोर साइड होता है और एक फिफ्टी दूसरा ट्वेंटी तो दो साइड उसका फिफ्टी होगा दो साइड ट्वेंटी होगा क्योंकि रेक्टेंगल का दोनों साइड सेम होता है सामना अपोजिट साइड इसलिए फिफ्टी प्लस ट्वेंटी प्लस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी इको लो आप उसका प्लस करोगे प्लस करेंगे तो आएगा उसका वन हंड्रेड फोर्टी सी एम और वन हंड्रेड फोर्टी सी एम होता है उसका बाउंड्री उसका टोटल बाउंड्री होता है वन हंड्रेड फोर्टी सी एम ओके उसको कंप्लीट करो एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में और बाकी कराएंगे और जो भी बताया गया वो अपना बुक को कंप्लीट करो वर्कबुक में